नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सुपर फास्ट बुलेटिन नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मॉनसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई जगहों पर रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। रपटे के ऊपर पानी आने से आवागमन भी बाधित हो गया है। जशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक झुलस गया, तो उधर बलरामपुर में भी बारिश के बीच बस और ट्रक की टक्कर हो गई। तो मॉनसून पूरे छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव हो गया है और कई जगह बारिश भी हो रही है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तीन जगह खासतौर से अगर हम जिक्र करें तो मैं जशपुर में आकाशीय बिजली गिरी है, एक युवक झुलसा है, बलरामपुर में भी बारिश के बीच बस और ट्रक की टक्कर हो गई। तीन तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। तो मॉनसून एक्टिव होने के बाद अब ये पांच और तस्वीरें देखिए आप। कांकेर, मुंगेली, जशपुर, बलरामपुर और बिलासपुर की तस्वीरें। अब नदी नाले भी उफान पर आ रहे हैं लगातार, जिस अंदाज में बारिश हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। अलग अलग शहरों में बारिश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर, मुंगेली, जशपुर, बिलासपुर, बलरामपुर और शुरुआती बारिश में ही ये देखिए आप, जो छोटे नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं और अब कहें तो जंगली जानवर भी बिलों से बाहर आ रहे हैं और ये भी खतरे का सबब। इधर बारिश की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। जशपुर और कांकेर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जशपुर में राजपुर नदी में उफान है। यहाँ रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे आवागमन बंद हो गया। वहीं कांकेर में दूध नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और उधर जशपुर में आकाशीय बिजली से एक युवक झुलस गया। घायल युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मवेशी की भी मौत हो गई है। सन्ना के नन्हेसर गांव में बिजली गिरी, जहां एक तरफ बिजली गिरने से एक जानवर की मौत हो गई, मवेशी की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बिजली गिरने के चलते बुरी तरह से झुलस गया है। और बलरामपुर में बारिश के बीच हादसा हुआ है। बलरामपुर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए हैं। एनएच 343 पर जामवंतपुर के पास यह हादसा हुआ है। बारिश में सड़क दिखाई नहीं देने से हादसा पेश आया है। तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। बलरामपुर में हादसा हुआ है और जिक्र करें तो बारिश का अब असर भी दिखने लगा है। हादसे भी हो रहे हैं, बारिश अब हादसों का सबब भी बन रही है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है और मॉनसून की वजह से जो अगर हम कहें उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, हादसे भी हो रहे हैं। बलरामपुर में भी इसी तरह का हादसा पेश आया। बारिश की वजह से सड़क नजर नहीं आ रही थी। एक बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, तो कहीं बिजली गिरने के चलते मवेशी की भी मौत हो गई। और बिलासपुर से उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार अगर हम जिक्र करें तो बारिश का सबब हादसों के लिए भी खराब हो रहा है, हादसे भी हो रहे हैं। क्या स्थिति बिलासपुर की अगर हम जिक्र करें तो? देखिए प्रशांत जी, मानसून जो है वो इस बार थोड़ा लेट एक्टिव हुआ है, जिसको लेकर बिलासपुर की ही बात करूं तो यहाँ पर अमूमन 13 या 14 जून को मानसून जो है एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार जो है मानसून जो है वो 29 तारीख मतलब आज एक्टिव हुआ है और सुबह से बारिश झमाझम हो रही है। कहीं ना कहीं इस बारिश का इंतज़ार लोगों को भी था, किसानों को भी था, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग जो है वो हलकान परेशान थे। हालाँकि बिलासपुर में तो राहत भरी बारिश रही, लेकिन कई ऐसे छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, जिले हैं, जहाँ पर ये जो बारिश है और जो बिजली है वो कहर बनकर बरपा है। कई
कई जगह एक्सीडेंट के हादसे हुए हैं, उसके साथ ही कई जगह बिजली गिरने से मवेशियों की मौत हुई है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो बारिश के दिनों में यहाँ पर जो निगम की ओर से जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं, टीम गठित की जाती हैं और रेस्क्यू टीम अलग से बनाई जाती है ताकि जब बारिश के दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति हो या कोई हताहत होने वाली जैसी स्थिति हो तो वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया जाता है जिससे वो संपर्क करके पहुँच जाते हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएँ जिला प्रशासन की ओर से वो पूरी कर ली गई है ताकि ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटा जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर हमेशा से डुबान वाला क्षेत्र रहा है, अरपा नदी के किनारे बसा ये पूरा शहर है। ऐसे में हमेशा से ये देखा गया है थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोग जो है जगह करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि आज का बारिश तो राहत भरा रहा लेकिन आने वाले दिनों में जो बारिश होगी अगर इसी तरीके से लगातार होती है तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है परेशानी भी बनती है। फिलहाल आज की जो बारिश है वो राहत भरी है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिला है, किसानों के चेहरे खिले हैं क्योंकि उनको खेती की बुआई जी। चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर बता दें, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज होने जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है तो आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है और इस मुकाबले को जीतने के मकसद से ही टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। और अच्छी बात यह है कि टॉस जीता है टीम इंडिया ने और टॉस जीतने के साथ ही पहले बैटिंग का फैसला भी टीम इंडिया ने लिया है। मकसद होगा बड़ा स्कोर खड़ा करने का ताकि बड़ा टारगेट विपक्षी टीम को दिया जाए और टॉस जीतकर अब देखना होगा कि किस जोड़ी के साथ ओपनिंग करती है टीम इंडिया। तो बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला है आज और इस मुकाबले में टॉस जीत लिया। हालांकि ये कहा जा रहा था, आशंका जाहिर की जा रही थी कि बारिश भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग के केंद्रीय विद्यालय में हादसा हुआ है। क्लासरूम में छात्र के ऊपर पंखा गिर गया, छात्र के ऊपर पंखा गिरने से बताया जा रहा वो जख्मी भी हुआ है। हादसे में छात्र घायल हो गया है, हालांकि जीवन सुरक्षित है, छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो दुर्ग में केंद्रीय विद्यालय में यह हादसा पेश आया है। क्लासरूम के अंदर एक पंखा लटका था सर और बच्चे को कोई चोट नहीं लगी, हल्का सा साइड लगने से खरोच आई है बस। ये इंसिडेंट कैसे हुआ? ये पंखा वो फॉल्स सीलिंग थी, वो फॉल्स सीलिंग थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हुई होगी तो उसका तार लटक गया, पंखा गिरा नहीं है सर। बच्चे को उपचार कहाँ चल रहा है? कोई उपचार नहीं सर, मैंने उसको फर्स्ट एड करा करके हॉस्पिटल में जाके फर्स्ट एड अपने यहाँ किया, उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उन्होंने उसको दो इंजेक्शन दे करके छोड़ दिया। और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था, गनीमत है कि बच्चे की जान सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही, क्या मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता स्कूल? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। जब एक जो फॉल सीलिंग जो है वो काफ़ी कमजोर थी बताया जा रहा है और वहाँ पर जो लगा पंखा वो आज गिर गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से दोहरी बात की जा रही है, एक और ये कहा जाता है कि पंखा नहीं गिरा और दूसरी बात ये कहा जाता है कि पंखा गिरा है जिससे छात्र को मामूली चोट लगी है। तो इसी तरह की लापरवाही है, एक तरह से ये पूरी तरह से लापरवाही दिख रही है। वो गनीमत ये रही कि जो छात्र था जो पंखे के नीचे जद में आया था वो उसको खरोच आई है, बहुत वो जख्मी नहीं हुआ, लेकिन एक वही जरूर है कि किस तरह से छात्रों को स्कूल में बैठाया जा रहा है, किस तरह से उनकी जिंदगी खतरे में डाल रही जा रही थी, वो भी सेंट्रल स्कूल की। इसमें ये कहा जाता है कि हर वर्ष मेंटेनेंस किया जा रहा है, सभी स्कूलों के लिए ये चीज होता है कि स्कूल खुलने के पहले मेंटेनेंस जो है उसके किया जाता है, लेकिन जब अभी स्कूल खुले दो ही दिन हुए हैं तब इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। इस पूरे मामले में की जानकारी लगते ही दुर्ग के SDM मौके पर पहुंचकर पूरी वस्तुस्थिति का जायजा लिया और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना बेहद आवश्यक है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, अन्यथा किसी भी छात्र की जान भी जा सकती है। बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। धन्यवाद मिथिलेश। और बीजापुर में 12 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों में 5 लाख का इनामी भी शामिल है। 1-1 लाख के इनामी पति पत्नी ने भी सरेंडर किया है। भैरमगढ़ गंगालूर एरिया कमेटी में ये सभी सक्रिय थे, कई वारदातों में शामिल रहे हैं। साल 2024 में 123 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है अभी तक सरेंडर करने वाले नक्सलियों का। बीजापुर में 12 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। और खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। खेम, ये
बड़ी सफलता हम कहें सुरक्षा बलों को, एक साथ एक दर्जन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है नक्सलियों का? ये देखिए, निरंतर जो है सरकार के द्वारा जो है जो नक्सली हैं उनको उनके घर वापसी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसी तर्ज पे और बार बार जिस प्रकार से लगातार जो जवान है वो जंगलों की ओर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए अब जो है नक्सली जो है अपनी मुख्य धारा की ओर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सभी जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं कई घटनाओं में शामिल हैं जिनको जिनके की तलाश जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, और अंततः इन्होंने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है और जो है पुलिस के समक्ष जाकर अब सरेंडर कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिम नारायण इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर कांकेर से है जहां एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया है, नक्सलियों से जुड़ा मामला है। आमाबेड़ा मुंजाल गोंदी जीवलामारी में छापेमारी हुई है, कई अहम दस्तावेज और करीब 39,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मौके से मोबाइल और प्रिंटर भी बरामद किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी सामने आई। ये बड़ी खबर, एनआईए ने छापेमारी की है और इसमें काफी कुछ बताया जा रहा है कि बरामद भी किया है एनआईए। और उधर बलौदा बाजार हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, मामले में भीम आर्मी के दो नेता गिरफ्तार किए गए हैं। भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश आजाद और प्रदेश महासचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप महिलांगे भी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, अब तक 151 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर के बाल सुधार गृह से 10 नाबालिग फरार हो गए, ये नाबालिग सुधार गृह की खिड़की तोड़कर फरार हुए, जिसके बाद से बाल सुधार गृह में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि इन फरार 10 बच्चों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। और उधर बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, यहां एक युवक ने वर्दीधारी सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया, मारपीट का और झूमा झटकी का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के बाद धक्का मुक्की करते हुए भी युवक नजर आ रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बिलासपुर से ये वीडियो सामने आया, ये देखिए आप, सरेआम युवक ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद पुलिसकर्मी के साथ झूमा झटकी भी शख्स ने शुरू कर दी। बातचीत पहले हो रही थी और इसी के बाद अचानक ही जोरदार थप्पड़ युवक ने पुलिसकर्मी को मार दिया। मारपीट का ये जो पूरा वीडियो है वो भी अब सामने आया है और इस वीडियो के बाद अब पुलिस एक्शन में भी है। बिलासपुर से खबर है, बिलासपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है, आज भी प्रशासन का बुलडोजर कई जगह गरजा, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर रखा था, कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और अब खबर दुर्ग से है, दुर्ग पुलिस के सिपाहियों की गिरफ्तारी की खबर का खंडन किया गया है, जहां तेलंगाना पुलिस के द्वारा दुर्ग पुलिस के 4 सिपाहियों की गिरफ्तारी की खबर थी, जिसका खंडन करते हुए पुलिस ने बताया कि ये जानकारी फर्जी है। महादेव सट्टा केस को लेकर दुर्ग पुलिस हैदराबाद पहुंची थी, लेकिन आरोपी भनक लगते ही छत के रास्ते से भाग निकला था। अपने कार्रवाई के लिए हैदराबाद गए हुए थे, उसी बीच सट्टा ऐप के माध्यम से खिलाने की सूचना पर हमारी टीम ने वहां दबिश दी, जिसमें एक आरोपी छत से कूद गया जो चोटिल हुआ, जिसको लेकर के थाने गए थे। किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि दुर्ग पुलिस को हैदराबाद पुलिस ने बैठा दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम हैदराबाद पुलिस के संपर्क में हैं, जल्द ही आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड मिलने पर यहाँ लाया जाए।
और इधर भिलाई गोलीकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। फायरिंग करने वाले आरोपी अमित जोश के परिजनों का मामला दर्ज किया गया है। मां बहन जीजा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि मामले में आरोपी के घर से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस बरामद किया गया था, साथ ही घर पर बुलडोजर भी चला था। और जगदलपुर में लोग अब दिन में भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, दिन दहाड़े यहां एक बुजुर्ग महिला को बाइक सवार दो बदमाशों ने अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग के गले से चेन छीन कर फरार हो गए। वहीं कान की बाली और अंगूठी भी बदमाश ले उड़े। बताया जा रहा है कि महिला मंदिर से लौट रही थी, उसी दौरान बदमाशों ने उसे अपना निशाना बना लिया। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर कोंडागांव में भी एक महिला टीचर को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। NH 30 पर बदमाशों ने महिला का पर्स और उसके जेवर छीन लिए। हादसे के बाद महिला टीचर डर गई और पुलिस को सारी वारदात बताई। बता देंगे ये पूरी घटना सिटी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर। खबर धमतरी से है, जहां के रिसगांव पंचायत के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां पानी की टंकी बना दी गई, घरों में नल लगा दिए गए, लेकिन नल से पानी आज तक नहीं आया, जिससे लोग नाले के पानी और हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन इससे भी पानी की मांग पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने दूसरे गांव से टैंकर में टंकी बांधकर पानी उन्हें लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जल जमीन मिशन का पानी मिलेगा तभी जल संकट दूर होगा। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जरूरी कदम उठाने की बात कही।